कर दे ना चूल्हे उत्ते चाह रखी ही ते नुकसान हो गया, चाह सारी जड़ी ने रुड़ गई है। तो चूल्हा बड़ा तेज है, अख चमक दे जड़ा ना शायद जी बाल के परा सुट जा। समर वास्ते ना बर्गर का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, की हाल चाल है सब दा? उम्मीद है कि सारे भैन भरा ठीक ठाक होवोगे ते हसदे वसदे होवोगे। हुण जर्मनी दे विच सैरी दा टाइम है ना, ते मैं हुण सैरी बना लगा ते नाले रोज़ा रखन लगा। ते आ जाओ फिर ना बनाने आ सैरी, तैयार करने आ सादी जी ना, ते लस्सी मैं तैयार कर ली है, सैरी अपनी तैयार करा लगा। मैं ना आलू वाली टिक्कियां जड़ियां ने ना वो फ्राई करा लगा। चूल्हा मैं चला लिया, एक ही आंडा बड़ा रमजान के बिच फिर सैरी के टाइम रौनक बड़ी होंगी है। पाकिस्तान तो फिर पिंड गहमा गहमी इस टाइम होंगी है, बाजारों के पिंड ऐक तो माशाला रोजे जड़े ने ना, बड़ा प्यारा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बड़ा प्यारा मौसम है ना, प्यास प्यूस भी नहीं लगती। पराठा साडा तैयार हो गया, पुलाव बनाया ही इफ्तारी के टाइम ना, ते बच्चों ने पुलाव खा लिया ही। आटा थोड़ा जा सख्त हो ना तो मेरे को फिर बड़ी बेहतरीन जड़ी है ना रोटी पकती है। जिन्ने जी हो ना उन्नी जड़ी ना फरमाइशा ने, ते बच्चों की फरमाइश जी है ना। हम समर वास्ते टिक्कियां तैयार कर लें, वेखो बड़े बेहतरीन जो पराठे जड़े साढ़े तैयार हो गए ने, टिक्कियां भी साड़ियां तैयार हो गई ने आलू वाली। टिक्कियां साड़ियां तैयार हो गई, तो हम सालन जड़ा ना उन्होंने गर्म कर लेंगे।
साग जेड़ा ना इन ओवन च गर्म कर लेने आ। सैरी दे विच जेड़ा ना साग दा भी अपना ही मजा ना, खाण वास्ते ना साग जेड़ा ना पका के असी फ्रीज कर छड़िया ना, तो फिर सैरी दे टाइम जदों दिल करे ना वो साग कढ के ना तो फिर वह गर्म कर लईदा तो तड़क लईदा, तो वह सैरी दे विच अपना ही मजा है ना साग दा भी, मक्खन पा के नाल दही लस्सी तो फिर पूरी जिहड़ी है ना चस बजदी है। चीनी मिक्स कर लेंगे दही दे विच, समर वास्ते ना बर्गर कट के ना तो जूठा जिहा बना देने हम कैचअप। जवान जड़े ने ना इंज तो जुफके पसंद करते ने सलाद सलूद पा के ना, तो लेकिन मैं तो सलाद नहीं पान लगा, इंज ही पा दन लगा गोश्त जिहा बर्गर दा। सैरी मेरी हो गई है तैयार, तो हम रोज़ा रखने अल्लाह का नाम लैके। अपने हथी सैरी तैयार की है, तो तुम पता अपने हथी सैरी तैयार करिए तो फिर वह मजा कि होंगे, तो मेहनत करके कोई भी काम करो वह मजा तो होंगे ही है। युफके जड़े ने ना मैं समर वास्ते तैयार करके रखे ने, तो वह वजू कर गया तो वजू करके आंदा तो फिर वो आप सही कर लेंगे। लस्सी की क्या ही बात है जी, लस्सी तो बगैर जी है ना सहरी या नाश्ता कोई भी शायद जो मजा नहीं आता। आलू वाली टिक्की भी जड़ी है ना लाजवाब बनी। उम्मीद है कि मेरी सैरी जड़ी है ना तुम पसंद आई होगी। रोजा रखना मुश्किल नहीं है, कमजोर तो कमजोर बंदा रख सकता ना, क्योंकि रोजे जड़े ना एक बड़े ठंडे मौसम च आए ने, प्यास ही नहीं लगती, पता नहीं लगता कि रोजा खुलन का टाइम कि वे आ जाता ना, क्योंकि दिन बड़े छोटे ने हुण, पिछले साल या उदू पहला जो जर्मनी के 18-18, 19-19 घंटे का रोजा हुंदा सी, ऐका जड़ा ना रोजे का जो दिन ने ना वो छोटे ने, रोजे भी छोटे ने एक, तो मौसम बड़ा प्यारा जहा ठंडा जहा। सैरी करद करद ना चूल्हे उत्ते चाह रखी ही तो नुकसान हो गया, चाह साड़ी जी रुड़ गई है, तो चूल्हा बड़ा तेज है अख चमकते ही जरा शायद जी बाल के परा सुटता, तो चाह जी सारी जी उबल गई। कोई गल ये मैं जरा ना चाह का बंदोबस्त करना वा, हूँ मैं सैरी करके जरा ये बार चाह दोबारा होना, क्योंकि वो उत्ते खिलौना पैदा तो नहीं तो चूल्हा जरा ना चाह फिर गर्म ज्यादा तो फिर उबल जाती चाह। मेरा एक भाई है उन्होंने लस्सी पीवे ना उन्होंने गुरदे जी ना दर्द शुरू हो जाती है, तो मैं लस्सी ना पीव तो मैनू मजा नहीं आता नाश्ते का रोटी का, हर बंदे की अपनी अपनी तबीयत होंगी है। वो पिछले जी साढ़े को आया ही ना तो उन्हें लस्सी पी ली
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।